अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा में रहता है, अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करता है, वही गुरु आज्ञा उस व्यक्ति के जीवन के रुचि को बदल देती है, माने उसके जीवन में सरलता आ जाती है। जीवन में कुछ भी बनना आसान है, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, धनवान बन जाना आसान काम, लेकिन जीवन में सरल बन जाना कठिन काम। सरलता क्या जानते हैं? भक्ति है नवम तरह, नवी भक्ति है। जीवन में सरलता उसी को मिलती है जिस पर हमारे राघव सरकार की कृपा होती है। क्रोध, क्रोध में पूरा सब सब बिगड़ जाता है। नवम सरल, इसलिए हम जो घर में, परिवार में, समाज में प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम राग है। आज कथा का प्रथम दिवस है, सबसे आग्रह है कि आप सब अपने घर में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए। हम घर में, परिवार में, समाज में जो प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम राग है। और घर, परिवार, समाज से ऊपर उठकर जो हम भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान को प्रेम करने लगते हैं, उस प्रेम का नाम अनुराग है। और जब भगवान को प्रेम करते करते हमारा मन भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करने लगता है, तो उस प्रेम का नाम वैराग्य है। राग, अनुराग और वैराग्य। भगवान कैसे मिलते हैं? ना तो राग से मिलते हैं, ना तो वैराग्य से मिलते हैं। फिर कैसे मिलेंगे? इस बात का उत्तर गरुड़ जी ने शंकर भगवान को बताया। गरुड़ भगवान कह रहे हैं, हे देवाधिदेव महादेव, मिलही नरघोपति बिन अनुरागा। हाँ, मिलही नरघोपति बिन अनुरागा, किए जोगे जप ज्ञान विरागा। आप भगवान को कितना भी प्रेम करें, लेकिन जब तक आप अपने परिवार में प्रेम से नहीं रहेंगे, तब तक भगवान की कृपा भी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले परिवार में प्रेम करना आरंभ करिए। पत्नी को सम्मान दीजिए, पत्नी के साथ प्रेम से रहिए। भाई भाई को प्रेम करिए, पिता पुत्र को प्रेम करे। वही घर में प्रेम करते करते जब आपका मन भगवान में लग जाएगा, तो एक दिन आपका मन आपके ऊपर कब भगवान की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाएगी, आप जान भी नहीं पाएंगे। और भगवान को क्या प्रिय जानते हैं? उन्हें ना तो ज्ञान प्रिय है और ना वैराग्य प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ना भगवान को केवल और केवल प्रेम प्रेम प्रिय है। यदि कोई प्रेम से भगवान को भजता है, तो भगवान उसके आगे दौड़े चले जाते हैं। यदि आपको भी भगवान कृपा चाहिए, तो भगवान को प्रेम करना आरंभ कर दीजिए। पाना है यदि प्रभु को, पाना है
यदि प्रभु तू पसंद प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु को प्यार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु
प्रभु को पालायत प्रभु को भगवान को केवल और केवल प्रेम प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हूँ जन जान निहारा। ज्ञानी और बैरागी भगवान के पीछे दौड़ते कि भगवान की कृपा मिले, लेकिन भगवान प्रेमी के पीछे दौड़ते होते। बहुत कम समय में आरती होने का समय आया है, आरती होने चल रहा है, थोड़ा समय आप सब और दीजिए। आज कथा का प्रथम दिवस है, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर भगवान की आरती होगी, फिर कथा कल के दिवस में कथा होगी, क्योंकि आज कथा बहुत विलंब से प्रारंभ हुई है, तो कथा आज जल्दी विश्राम की तरफ बढ़ेगी। आप सब थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का समय और देंगे, इसके बाद भगवान का प्रसाद लेकर के सब अपने अपने निवास को जाएंगे। कथा आज आप सब श्री रामचरित मानस की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मणों की वंदना किए, संत समाज की वंदना किए और सत्संग की वंदना किए। आप सब जो सत्संग प्राप्त कर रहे हैं ना, एक केवल और केवल मृत्यु लोक में है, ना तो पाताल लोक में है और ना देवलोक में है। आइए हम और आप सब इस सत्संग की महिमा का अनुसरण करते हैं। मज्जन फल पेखिया तत्काला, मज्जन फल पेखिया तत्काला, काके हो इसके सत सुधरही सत संगति पाई, पारस परस कुदाच सुहाई। सत्संग सत्संग क्या है जो आप सबको प्राप्त हो रहा है? सत्संग को प्राप्त कर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। आप सुने होंगे पारस पत्थर, पारस मणि,
पारस मणि, जिस लोहे को स्पर्श कर दे वो लोहा सोने का हो जाता है ना, वैसे सत्संग है। पारस मणि जिस लोहे को स्पर्श करता है वो लोहा स्वयं सोने का हो जाता है, लेकिन दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। लेकिन ये सत्संग एक ऐसी मणि है कि जो सत्संग को प्राप्त कर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, और वही मूर्ख व्यक्ति जहाँ जहाँ भगवान की कथा करता है, जहाँ जहाँ सत्संग करता है, उसके सत्संग को श्रवण करके मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बनता है। ये सत्संग की महिमा है, इसलिए सत्संग को श्रवण करने का प्रयास करें। लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा, कब आएगा? जब किसी संत ब्राह्मण की कृपा होगी। इसलिए आप किसी संत और ब्राह्मण को अपना मानिए। जब तक किसी संत और ब्राह्मण कृपा नहीं होगी, तब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा करुणा बरसने वाले नहीं है। इसलिए संतन के संग लागरी